हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो अभी सुबह के कितने 8 या 8:30 कुछ ऐसे ही बज रहे हैं और आज है संडे यानी कि हॉलीडे। तो आज सोच रही हूँ आज तो ड्यूटी जाना नहीं है, तो मस्त रूम में एकदम रेस्ट करना है। तो इसीलिए आज कितने बजे, 7:30 बजे शायद सो के उठे हुए, अभी भी ब्रश रश मैं हम लोग मतलब मैं और दीदी सोच रहे थे कि हम लोग दोनों मार्केट से होके आते हैं, कुछ सब्जी वगैरह लेके आएंगे। क्योंकि सुबह सुबह जैसे मैं एक वीडियो में आपको लास्ट टाइम पर दिखाई थी कि पूरे सुबह सुबह पूरा ही ताज़ा ताज़ा सब्जी मिलती है, एकदम मस्त मस्त वाला, फ्रेश वाला। तो वही लेने के लिए सोच रहे हैं कि जाते हैं और देखते हैं, नहीं तो फिश मिलेगी तो फिश भी लेते हुए आएंगे। तो इसीलिए फिलहाल तो रेडी हो चुके हैं। और एक सीक्रेट बात बताऊं, अभी तो ब्रश व्रश भी कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही रेडी हो चुके हैं। अभी जो भी करेंगे उधर से आने के बाद ही करेंगे। तो चलिए फिलहाल तो आप वीडियो में प्लीज़ बने रहिए। तो आपको फिर से आज मार्केट का व्यूज़ दिखाऊंगी सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे। और आप को मैं मतलब अभी तो निकले भी नहीं है, लेकिन जैसे बाहर का नज़ारा आ रहा है कि अभी ऑलरेडी बहुत धूप हो चुका है। तो चलिए पहले निकलते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। जलेबी का इतना भीड़! अरे तो हम लोग निकल चुके हैं और धूप आप देख सकते हो, इतना भयानक धूप हो रहा है, बाप रे बाप। और एक चीज दिखाते हैं, तार। हाँ, कैसे देते हैं? মানে কেটে পড়ে যত একটা একটা পিস থাকবে ওটা 5 পিস। হ্যাঁ, আপনি টাইম লেগে কে আপনি লেগে ও খারাপ নেই যায় চপটা নেই হয়ে অঙ্কল ছেঠো নেই কর দিজিয়েগা ছেঠো নাই কর দিজিয়েগা ছেঠো দে দিজিয়ে আধ ঘন্টা 1 ঘন্টার মধ্যে খারাপ হয়ে যাবে কি? হ্যাঁ, সারা দিন রাখো, খারাপ হবে না? দিয়ে দাও তো, 6টা করে দাও তো, 6টা করে দাও না কি তুমি। বড়া মে 3 तो अभी दाल खरीद चुके हैं। कितना में दिया? 20 में। ऐसे 5 पीस बोल रहा था लेकिन 6 पीस लिए हैं। रूम में जाके उसको खाएंगे, फिर आप लोग को दिखाएंगे। ऐसे बहुत ही टेस्टी होता है पूरा, मतलब बहुत टेस्टी होता है। कभी आप लोग को अगर मिलता तो खा के देखिए। কত? 10 টাকা পুয়া? খুব বেশি না, নিচ্ছ না? ও খুব বেশি নিচ্ছ। সেম হ্যাঁ, ও থোড়া খারাপ হো গিয়া। सुबह सुबह गए तो थे मार्केट सब्जी लेने के लिए, तो तार और खजूर ले चुके हैं। ये सब बहुत ही मज़ा आता, बट पूछे सब्जी का दाम टमाटर तो बोल रहे 15 रुपये पाव। और सारी सब्जी का दाम इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था कि समझ में नहीं आ रहा था, खरीदे तो खरीदे क्या। तो सब जगह बस देखते जा रहे थे। ऐसे सुबह सुबह सच में बहुत ताज़ा ताज़ा सब्जी मिलता, बट क्या बोलूँ, टमाटर का दाम सब जगह वही 30 रुपया में हाफ के जी। 60 हमारे अंकल जी जो है तो बहुत ही अच्छा, लेकिन 1-2 रुपया भी छोड़ते नहीं है कि बच्चा लोग को 1-2 रुपया छोड़ दे। तो हम लोग यहीं से सामान लेते हैं और इधर महारानी सामान ले रही है, आप देख सकते हो। बाप रे, बड़े आदमी बड़े बड़े ये काजू किशमिश खाते हैं। लेकिन आप बताइए, तेल का दाम उतना बढ़ा दिए, तेल का दाम ना और बेसी है, 10-5 रुपया। अगला बार जितना आएगा ना लेंगे, और 10-5 रुपया बेसी ही लगेगा, कम नहीं लगेगा, इतना बता। कभी ये बोलते हैं कि इसका कम हो गया। जब 180 हुआ तो उसे कम से कम 120 हुआ ना, फिर बढ़ेगा, फिर कम रहेगा क्या? धन्यवाद तो हम भी दे देंगे तुमको, ऐसा बात नहीं है। ऐसे आशीर्वाद दिया तुम्हें, 10 रुपया दे ले ले आशीर्वाद। नहीं, नहीं, इसको
কত একটু কম কর কি মাছ ওটা ওটা কেন দিচ্ছ ওটা দাও না কত হবে हम लोग के मछली का वेट हो रहा है ऑलमोस्ट हाफ के जी से हाफ का जी के लगभग लेना है अब जितना भी वेट हो जाए तो फिश को अभी बना रहे हैं और बनाने का इन लोगों का टेक्निक भी इतना इजी मतलब इतना इजीली ये लोग बना लेते हैं हम लोगों को तो इतना टाइम लगता है उसको काटने में और ये करने में ये लोग इतना फास्ट बनाते हैं मतलब क्या बोलो एकदम देखते रह जाओगे आप तो देख सकते हो इधर फिश बनवा लेते हैं उसके बाद फिर निकलना है वगैरह करना हो चुका है और धूप और गर्मी से हालत खराब हो चुका है बहुत जोर से भूख लगा हुआ है देखिए अभी कुछ खाना और नाश्ता उसका पैक कराएंगे उसके बाद रूम पे चलेंगे तो ये है हमारा लोकल फ्रूट्स इसको बोलते हैं खजूर और ये है तार बहुत ही फिर ये तार कैसे खाते हैं मैं वो भी आपको दिखाऊंगी बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे मुझे अपने इधर के लोकल फ्रूट्स सारे ही बहुत अच्छे लगते हैं बहुत अच्छे तो जो भी सीजनल फ्रूट्स रहते हैं मैं तो कभी खाने के लिए छोड़ती नहीं हूँ उसको तो फिलहाल आपको दिखाती हूँ मैं तो ये जो बाहर वाला लेयर है इसको पूरा निकालना है सबसे पहले इसको पहले निकाल लेते हैं ये ऑलमोस्ट निकल चुका है इसको निकालना ज़्यादा टफ नहीं होता है बहुत इजीली निकल जाता है तो बस हो ही चुका है आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ये निकल गया है ये वाइट वाला पार्ट जो अंदर से निकला है इसको खाया जाता है तो ये बहुत ही ठंडा होता है पेट के लिए बहुत फायदेमंद भी होता है अगर आप लोग को मिलता है तो आप लोग जरूर ट्राई करिएगा टेस्ट में भी अच्छा ही रहता है मतलब बहुत ज़्यादा मीठा तो नहीं बोल सकते हो बट हल्का सा मिठास वाला टेस्ट आता है और अच्छा लगता है तो सीजनल फ्रूट है इधर मैं फिश को मैरिनेट करके रख चुकी हूँ हल्दी के साथ अच्छे से धो धा के उसके बाद में इसको फ्राई करना इधर आप देख सकते हो फिश फ्राई हो रहा है ये लास्ट बचा हुआ है उसके बाद इधर ऑलमोस्ट आधा मैं फ्राई कर चुकी हूँ बस यही लास्ट बचा हुआ इधर हो रहा है मुढ़ी पार्टी क्योंकि आधे टाइम आप लोगों को बोले कि कुछ नाश्ता ले लेंगे बट नाश्ता ले नहीं पाए बहुत ज़्यादा वेट भी हो गया था और बहुत गर्मी भी हो रहा था इसीलिए तो फिर रूम में आके फिर हम लोग मुढ़ी बनाए अभी मुढ़ी खा रहे A few moments later. ये है मेरा फिश और फिश बन के एकदम रेडी हो चुका है टेस्ट कैसा है मुझे नहीं पता बट फिश तो बन के रेडी हो चुका है और खाते हैं उसके बाद ही पता चलेगा तो जैसा भी बनाओ अभी तो खाना है ही तो आई होप कि प्लीज़ लाइक करिए नहीं भी लगी फिर भी लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर करिए तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट प्यारे से ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय